तीन ऐसे डाइटरी हैबिट्स जिन पे अमल करके आप अपनी बैकपेन को मैनेज कर सकते हैं। बहुत दफ़ा लोगों ने सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी खुराक बताएं जिससे कमर दर्द बेहतर हो। वो कहा साहब इस वीडियो को एक दफ़ा देख लें, आई होप दैट दिस विल आंसर यू क्वेश्चन। उसके बाद जो होगा हम आपके सवाल पर भी आएंगे। डाइटरी हैबिट्स की मैंने बात की थी। सबसे पहले डाइटरी हैबिट्स पे ये कि आप अपनी डाइट के अंदर वाटर इनटेक को ज़्यादा करें, हाइड्रेटेड रहें। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा, आपकी डेस्क के लिए भी अच्छा होगा, आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे ये कि आप वो डाइट लें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक। जैसे इसमें सलाद हो गया, इसमें पालक हो गई, इसमें साग हो गया, इस तरह की चीज़ें जो मिनरल्स से रिच हैं, एंटीऑक्सीडेंट से रिच हैं, और ये चीज़ें आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करती हैं, स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तीसरे नंबर पे अपनी डाइट में प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। प्रोटीन्स आपको दाल से भी मिलती है, अंडों से भी मिलती है, गोश्त से भी मिलती है, लेकिन ये नहीं है कि आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएं, ये इत्तेदाल में खाएं। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करें। जो बेस्ट एक्सरसाइज है बैक पेन के मरीजों के लिए वो है वॉक। लंबी वॉक करें, वॉक से ये होगा कि आपकी बैक पेन रिलीफ मिलेगी। मुझे भी जब कभी बैक पेन होता है तो मैं सबसे पहले वॉक करता हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे इस पे ये है कि बेंडिंग, लिफ्टिंग और ट्विस्टिंग को अवॉइड करें। तीसरे नंबर पे ये अपने वेट को कंट्रोल करें। बैक पेन जो होती है एक सीरियस अंडरलाइंग डिजीज़ का जो होता है वो सिम्टम होता है। शुरू शुरू में ये मैनेज हो सकता है दवाइयों से, एहतियाती तदाबीर से, लेकिन अगर आपको मुसलसल रहे तो फिर बैक पेन के लिए किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत होती है। और अगर आप एहतियात करें, सिर्फ एहतियात करें, इन चीज़ों को फॉलो करें जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं, तो आपको दोबारा किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 90% लोग सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और एहतियात से ठीक हो जाते हैं। वकास का क्वेश्चन था कि इसके लिए कोई मेडिसिन बताएं। वकास साहब, ये एक डीजनरेटिव कंडीशन है, अगर सीरियस हो जाए इनिशियल स्टेजेस पे आप पेन किलर से अपनी बैक पेन को मैनेज कर सकते हैं, कोई भी ओवर द काउंटर पेन किलर। लेकिन अगर आपकी बैक पेन उन पेन किलर्स के साथ अब मैनेज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये कि आपकी कंडीशन अब सीरियस हो चुकी है, जो दवाइयाँ आप असर नहीं करें। अगर आप पे दवाई का असर होना बंद हो जाए, ठीक, तो उसके बाद फिर आप न्यूरोसर्जन से रब्ता करें। मेरा नाम डॉक्टर अम्बारन बुरा है, मैं न्यूरोसर्जन हूँ और इन्हीं बीमारियों का इलाज करता हूँ।